बडबड प्रभावशाली क्यान्डिडेटको निद हजे साधारण क्यान्डिडेट राजामपुर म्युनिसिपाटर बार नम्बर वार्ड ठाने सुमन शर्मा साधारण घर क्यान्डिडेट जेक राजनीतिको निज पेशा नुह निशा भाभी से राजनीति को ओल्ल आव लोक सेवा कराया मनोबृति नहीं ओं चो जो, जो अगर प्रभावशा कैंडिडेट मैंने रिले से लोकप्रियता आगे लोकप्रियता फिका पड़ी और समस्त से टेनसन रण पलटिंट जो धमक चमक आम अभी अच्छे से बार नंबर वार्ड व्वार्ड्रे राजपुर म्यूनिशिपाल मु प्रथम घर देखापी चाहिए ये हूँ से ही सुमन शर्मा घर तो घर देखीपे से केत साधारण जन साधारण अति साधारण घर आस आउ राजनीति को से केवल वार्ड सेवा व आउ घर घर बुली बुरी से सेवामी सहित अन्य समर्थक खास करी जो करोषी रही है भरपूर समर्थन मिलूँ मिसी से भोट भिक्षा करोचना चुनाव का प्रचार स्टार्ट हो गया है आप कैसे स्ट्राटेजी के बनाया है और आपका वार्ड में किस तरह से आप प्रचार मैं लोगों का मन जीतने के लिए क्या क्या कर रहे पहले तो मेरा सबको नमस्कार नमस्ते है और मैं बारह नंबर वार्ड से सुमन शर्मा हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के और से खड़ी हूँ और मेरा तो यही सोच है मैं अभी तक घर घर जाके सबको यही बात बोल रही हूँ कि मुझे एक बार वोट देकर जिताइए और देखिए कि मैं क्या कर सकती हूँ सबके लिए अच्छा ही करूँगी और सबके दिलों में बसना चाहती हूँ देखिए आपका सामने जो कैंडिडेट सब है वो लोगों ने बहुत पैसा वाला है जिसे मतलब आप देख रहे थे आप देख के लग रहा है आप इतना मतलब जिस तरह से चुनाव में खर्चा होता है जिस तरह से सामने आते है घटनाएं है सब किस तरह से पैसा बांटा जाता है वोट खरीदा जाता है अब तो ये सब कर नहीं पाएंगे तो फिर किस तरह से लड़ेंगे दिल से लड़ेंगे नहीं नहीं? और काम से लड़ेंगे काम से लड़ेंगे और मेहनत करेंगे तो आ, आपको मतलब कुछ दबाव आ रहा है जैसे मतलब हम देख रहे हैं आपका बहुत पॉपुलर हो चुके हैं इस वार्ड में कुछ दबाव आ रहा है आपको तो तो कुछ ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है सबका साथ, सब, साथ मिल रहा है सबका साथ, सब साथ मिल रहा है और सभी कोई सपोर्ट कर रहे हैं ऐसा कुछ बात नहीं है विरोधी जो भी अपने अपने जगह सबको को लगता है कि हम जीते हम जीते वो सबके मन में है हम भी चाहते हैं कि हम भी जीते हम भी करें लेकिन और घर घर जाके सबको समझा रहे हैं अब उनका क्या समस्या है इधर यहाँ, पे, यहाँ पे, पे बहुत सारा समस्या है सर जैसे रोड का समस्या है बिजली का लंगातार सब है कुछ काम होता नहीं है और आपका नाली का प्रॉब्लम है बहुत सारा प्रॉब्लम है सरकारी सरकारी योजना जितना भी आता है हमारा वार्ड वो वंचित रहता है आज बारह नंबर बीसठ वार्ड है राजगंगपुर में हर वार्ड में बाथरूम बना हुआ है हमारा ये बारह नंबर इकलौता वार्ड है जहाँ पे बाथरूम अभी तक बना नहीं हो और बात रहा साद... तो हाँ कम्युनिटी बाथरूम नहीं है आज भी खुला में आदमी सोच कर रहा है और हम लोग जैसे हमारा जो कैंडिडेट है वो एक साधारण परिवार से है लेकिन लेकिन हम लोग नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लिए हैं कहे वो भी एक साधारण परिवार से है होके भी आज हमारा देश का नेतृत्व तो कर रहे हैं इसीलिए हमारा युवा पीढ़ी हम पूरा जी जान लगा के इनको जिताने का कोशिश करेंगे युवा पीढ़ी जी जान लगाए हैं आप उनका पति है साथ में आप भी प्रचार में मैं भी इनके साथ ही दूंगा ना और बाकी सब तो अपने साथ है जनता और हमें कुछ चीज का डर नहीं है कुछ चीज़ का डर नहीं क्या बोलेंगे आपका घर का सामने एक नहीं सर ये तो बहुत अच्छी है शुरू से हम लोग देख रहे हैं जब से आई है यहाँ और मतलब समझती है जैसे अब खुद गरीब है गरीबों को भी समझती है सबके साथ हेलमेल से रहती है और किसी के भी दुख में दौड़ती है जब वो अभी बनी नहीं है वार्ड मेंबर उससे पहले से किसी को भी कुछ होगा अस्पताल ले जाना है कहीं किसी का दुख मुसीबत है हर चीज़ में साथ देती है बहुत ज्यादा इससे हर चीज़ में साथ देते हैं क्या बोलेंगे मतलब आप देख रहे हैं पूरा युवा गोष्ठी इनके साथ हाँ बचपन से हम लोग जब भी उनको देखते आए हैं सारे बच्चे उनके सामने छोटे बड़े हुए हैं कोई भी दिक्कत हो हर चीज़ में वो खड़े हुए हम लोग के साथ हम लोग के परिवार से साधारण परिवार से हम इतना जानते हो जितने के बाद क्या जितने से पहले भी हम लोग का साथ दिए है और आगे भी साथ देंगे निश्चित भावे आुणुले कि भन्ने प्रतिक्रिया खास खासकरी सुमन सर्ग जो जुव गोष्ठी बाँधिन्छ बार नम्बर धरी से साथीले धरिसे जो लोकप्रियता से लोकप्रियता धेरै धेरै बढ्बार लाग समस्तो आशा समस्तको आकांक्षा सुमन एथर बार नम्बर वार्ड्रु जित आउ पूर्वहरू जभल भा लो सेवा गरि निजे जेहेतु से अति गरीब परिवार र तेणु दुख दुःख बुझ्यो अब सब समस्या अहिले ए वार्ड र सस्यार समाधान प्रतिनिधित्वे आउँ समस्यार समाधान गरे राजगमपुर बार नम्बर रो कैमरा पर्सन रविदास को सह अमिरञ्जन परिडा अर्गस्ट न्युज